ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं बाबू मेरे, इसको पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद आप बनाइएगा खुद। तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा होंगे इस पावर रूल में बाबू, चूंकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज के, ठीक है ना। तो जो भी जहां भी बुक्स है बाबू पावर रूल से रिलेटेड, सब आपको उठा के हम यहाँ पे बता देंगे। फॉर एग्जाम्पल बाबू, फॉर एग्जाम्पल वन नंबर, जैसे कहीं 2 raised to the power 3 है बाबू, अब पावर क्या है 2 है ना। तो आपको हमने क्या बताया, क्या बताया, इधर फॉर्मूला लिख देते, अभी आपको याद नहीं होगा। a रेज टू दी पावर m है बाबू, रेज टू दी पावर n है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पावर पावर है उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, m इंटू n कर देंगे। यही बताया ना, यही बताया ना बाबू मेरे। तो यहाँ क्या, a की जगह 2 है, m की जगह 3 है, और n की जगह क्या है 2 है। तो ये दोनों को क्या करेंगे बाबू मेरे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे बाबू मेरे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या से? मतलब ये बाबू 2 raised to the power 3 into 2, तो 2 raised to the power 6 सिंपली इसी तरह से करना। एग्जाम्पल नंबर 2, कहीं भी बाबू अगर 5 raised to the power 2 है, अब पावर 2 है, तो यहाँ पावर 2 है ना, तो इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 हो गया बाबू 2 into 2 कितना हो जाएगा, 5 raised to the power 4 हो जाएगा, है ना। जो अभी कंसेप्ट बताया उसी पे न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट थर्ड नंबर, 5 raised to the power बाबू, ठीक है, मान लीजिए कहीं क्या 3/2 है ना, और पावर क्या है बाबू, पावर क्या है बाबू, पावर क्या है 3/2 है, और इस पे पावर बाबू क्या है 2/3 है ना, 3/2 है बाबू, पावर क्या है 3/2 है, और उस पे पावर 2/3 है। तो सिंपल क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो कंसेप्ट बताया कंसेप्ट को अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, 3/2 लिख देंगे ना, ये 3/2 लिख देंगे बाबू, है ना। और जो पावर है, ये दोनों पावर को मैच ना, पावर टू दी पावर, तो पावर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3/2 और मल्टीप्लिकेशन क्या बाबू 2/3, है ना। ओके बाबू, अब देखो यहाँ 3/3 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर अगर सेम रहता ना बाबू, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम रहता बाबू, तो उसको कट कर देते थे, ये कट हो जाएगा, यहाँ भी 2 है बाबू, यहाँ भी 2 है, तो कट हो गया। तो जब सारे नंबर मल्टीप्लीकेशन में कट हो जाते, तो अल्टीमेटली 1 बचता है, अल्टीमेटली क्या बचता है बाबू, 1 बचता है। तो 3/2 हो गया, रेज टू द पावर 1 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 3/2 हो जाएगा। ओके बाबू, है ना, सर समझ में आ रहा है। हाँ बाबू, सर अगर कभी कि जैसे 3/2 का पावर 0 करके, तो सर उसका आंसर आ जाएगा 0 उन लोगों के, आएगा आएगा। हाँ बाबू, आपका कहना सही है, किसी भी नंबर के बाबू पावर 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 वाला कांसेप्ट अभी बताएंगे ना, अभी नहीं बताएं, बताएंगे, सब बताएंगे ना आपको, जो जो मन में जीरो का वन ना होता है सर, वन होता है किसी, हाँ बाबू किसी भी नंबर का अगर किसी भी नंबर का बाबू अगर किसी भी नंबर का अगर पावर में बाबू 0 बैठा देते तो उसका रिजल्ट 1 होगा। बताएंगे आगे कंसेप्ट करके बताएंगे हम, टेंशन मत लीजिए, है ना, सब बताएंगे। छोड़े सर, आप जो कल होमवर्क दिए थे उसमें वही था 0 का पावर। हाँ बाबू, हाँ था, अच्छी बात। नेक्स्ट बाबू क्या, 10 raised आप खुद बनाइए, अब हम नहीं बनाएंगे, 3 को लिखिए बाबू, और उसके बाद कुछ दे रहे हैं बनाने के लिए, खुद बनाइए, ठीक है सर, तो दीजिए ना, हो गया है, हो गया, चलिए अच्छी बात है। तो कुछ देते हैं, कितना बाबू लगे, 15-20 है, 20 के आसपास है ना, ठीक है, चलिए फटाफट हम लिखते हैं। 7/4/7 बाबू रेज टू दी पावर 2, 4 raised to the power 4 रेज टू दी पावर 2 है, राइट डाउन और लिखते चलिए, है ना। 10/3 है बाबू, ये पावर 2 है, बहुत सारे बुक में बाबू एक ही सिंगल ब्रैकेट यूज करेगा, ठीक है ना, एक ही पैरेंथेसिस यूज करेगा, तो इसका मतलब भी यही आपको समझना है, 1/3 है, एक ही यहाँ क्या एक ही टाइप का पैरेंथेसिस यूज किया गया ना बाबू, तो इसको मैं आपको पावर ही समझना है। 5th नंबर बाबू, 1, 2, 3 पहले आप लोग लिखिए, फिर हम लोग 6 लिखते हैं। चलिए मेरा 6 इधर एडजस्ट हो जाएगा, है ना सर, आगे लिखिए ना, आंसर भी बन गया है। वाह बाबू, 1/3 बाबू स्क्वायर, 1/3 का पावर 2 बाबू, और माइनस में 1/2 पावर 7 नंबर साहब, अब तेज हो गया ना, ए बी सी है ना, के पावर बाबू 1/2 के पावर 2 के पावर बाबू 1/2
है ना, कितना हो पावर दे डरना नहीं है, पावर कितना हो दे बाबू डरना नहीं है। चलिए वन वन टू थ्री इरेज कर रहे हैं, वन टू थ्री क्या कर बाबू इरेज कर रहे हैं ना। हाँ बाबू सर, हाँ बाबू बुलेट सिक्स नंबर में कभी भी कि हमको कभी भी किसी भी नंबर का अगर पावर माइनस में हो तो वो वन बाई हो जाता है। हाँ बाबू वो बताएंगे, अभी नहीं बताया ना, अभी आप माइनस में तो माइनस में उसको रहने दीजिए, जब माइनस वाला कंसेप्ट बताएंगे ना तो फिर सर कर दिए, कर दिया अच्छी बात है, ठीक है जानते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आप एक बार आपको हम बता जानते। हाँ बाबू आज जो पुराने हैं उनको एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं इसलिए आप लोग जानते हैं। चलिए सर हम लोग कर दिए हैं, ठीक है बाबू कर दिए तो हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, अच्छी बात है कर दिए तो। सेवन नंबर बाबू, एट नंबर, वन बाई सिक्सटीन है बाबू के पावर माइनस फाइव बाई फोर है। नाइन नंबर, कुछ कुछ क्वेश्चन बाबू आपके बुक से लिया गया, सिक्सटीन है बाबू के पावर सेवन बाई फोर है। इरेज ढंग से होता ही नहीं है, शिवांगी बाबू आपको जानना है, शिवांगी से बात नहीं हुआ, रिश्वत से भी बात नहीं। क्या सर सब कंप्लीट हो गया बाबू, नंबर सिस्टम और ये आपका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और सिंपलीफिकेशन तीन चैप्टर कंप्लीट है ना, आएंगे नहीं संडे विजिटिंग करने? यस सर, सिंपलीफिकेशन बस थोड़ा सा उतारना है कॉपी में, बाकी सब है। हाँ बाबू सब करके रखिए, आपका बहुत दिन से छुटा हुआ। टेन नंबर, इलेवन नंबर बाबू, थर्टी टू रेज टू द पावर माइनस वन बाई फाइव बाबू, ट्वेल्व नंबर लिखते चलिए, फाइव वन टू रेज टू द पावर बाबू टू बाई नाइन, थर्टीन नंबर बाबू, टू सेवन बाबू वन बाई थ्री मल्टीप्लीकेशन बाबू एट रेज टू द पावर वन बाई थ्री, फोर्टीन नंबर बाबू मेरे, फोर्टीन नंबर क्या है फिफ्टी है बाबू। हाँ बाबू सर जब सिर्फ थर्टी सिक्स रेज टू द पावर वन बाई सिक्स होगा हम कैसे करेंगे उसको, या वैसे ही लिख लेंगे बस? नहीं बाबू 36 को आप 6 का स्क्वायर लिखोगे ना सर, 36 को बाबू 6 का स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे बाबू? सर मैं स्क्वायर अभी तक पढ़ा नहीं, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट नहीं बाबू, 6 को 2, अच्छा 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है सर? 18 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने को माने 6 मल्टीप्लिकेशन 6 बाबू, 6 को 2 टाइम मतलब 6 * 3 नहीं, 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 6 * 6 कितना होगा सर? 36 हां 36 होगा ना, तो 36 को बाबू हम लोग क्या लिखते हैं अब, 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे मींस क्या, 6 का स्क्वायर करेंगे, किसी भी नंबर बहुत सेम नंबर को जितना बार मल्टीप्लाई करते हैं उतना उसको स्क्वायर में लिख देते हैं। ठीक है सर, आपको इवनिंग में बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, इवनिंग में बताएंगे तो आपको ये सब कवर हो जाएगा है ना, सब बता देंगे है ना। तो ये सब में क्या करना है देखो, यहाँ क्या करना, फोर का स्क्वायर करना है यहाँ बाबू, फोर का स्क्वायर करना है यहाँ, सिक्स का स्क्वायर करना है यहाँ, वन बाई फोर का स्क्वायर करना है, ये ध्यान देना यहाँ बाबू 512 है, रुक जाइए मत बताइए मत बताइए, ठीक है बाबू आप लोग यहाँ 15-14 तक लिखिए, आइए इधर लिख लिया ना, ये सब हो गया ना बाबू, इसको इरेज कर रहे हैं। बाबू 512 को फैक्टर करना आप 2 के फॉर्मेट में, उसके बाद पावर के फॉर्मेट में लिखना, बाकी आर्यन बाबू आप टेंशन मत लीजिए, आपका इवनिंग में हो जाएगा धीरे धीरे है ना। अभी आर्यन बाबू और ये आनंद बाबू, आनंद तो कर लिया है, आनंद की सुनिए, सौम्या
ये जो है बाबू, जैसे आप लोग का वर्कलोड बढ़ेगा बाबू, नया स्टूडेंट है उन पे तो, पुराना स्टूडेंट उन पे तो नहीं होगा, लेकिन नया स्टूडेंट पे वर्कलोड बढ़ेगा। आपके मम्मा से भी बात करेंगे, फिर वर्कलोड बढ़ाते हैं आपसे। सर तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं टू का क्यू। हाँ बाबू, इसको इसको टू का क्यू। नो सर, 16 को। हाँ 16 को बाबू, 16 टू का क्यू 16 होता है। इतना मन नो, नहीं 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 तो फोर। हाँ तो फिर, हाँ तो फिर देखिए ये 256 है बाबू, 256 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। यहाँ देखे 512, तो 512 को फैक्टर कीजिए किस फॉर्मेट में, टू के फॉर्मेट में, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, टू को 9 बार मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, तो 512 आएगा। सर 6 का फॉर्मेट में कर सकते हैं क्या? क्या बाबू? सर 512 को 6 का फॉर्मेट में कर सकते हैं? बाबू 6 का करोगे तो 6 के फॉर्मेट में आप करोगे बाबू, तो फिर वो यहाँ से नहीं ना, यहाँ 9 इसलिए दिया गया ना कि यहाँ 2 के पावर 9 आएगा। 6 को 512 को आप 512 को फैक्टर करो ना, 2 टाइम्स, ठीक है ना, इसको कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, फिर 2 टाइम्स बाबू, ठीक है ना, ये दो ये इसको इसको यहाँ आएगा, फिर 2 टाइम्स इसको फर्दर करो, तो ये 2 2 कितना आएगा, 2 2 2 2 9 टाइम्स आएगा, तो मेरा कितना हो जाएगा 2 का पावर 4 होगा 16। हाँ बाबू 2 के पावर 4 होगा 16, ठीक है। 16 नंबर क्या बाबू? सर क्या लिखेंगे सर? मैं बस पूछ रहा हूँ कि आंसर क्या लिखेंगे, कौन सा नंबर कारण बाबू, कौन सा नंबर क्वेश्चन का? सर जो 12th नंबर, कौन सा नंबर बाबू? सर 12। अच्छा 12 नंबर, ओके बता रहे हैं, पहले आप इसको लिखिए ना, हम बता देते हैं, 12 नंबर डिस्कस कर देते हैं, ओके ठीक है बाबू। सर 6 नंबर माइनस आ सकते हैं, क्या बोल रहे हैं शिवम बाबू? 6 नंबर 8 सर, 8 नंबर सर, 8 नंबर, 8 नंबर में उलट के माइनस आ सकते हैं, 16 को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस वाला हट ना जाएगा बाबू? हां हां बाबू हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हट जाएगा हट जाएगा, उसे कोई बड़ा इशू नहीं। एक 16 नंबर क्या बाबू? 64 है, 64 रेज टू द पावर माइनस 2 बाई 3 है बाबू, और आपका क्या है 27 है बाबू, 2 रेज टू बाई 3 है, माइनस 2 बाई 3 है, ठीक है। और है इसमें क्वेश्चन तो जितना ही पॉसिबल आपके किताब का सब, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन इधर उधर से मिलेंगे, है ना, सारे हम आपको यहाँ पे बता दिए, इसको लिखिए, हम 12 नंबर डिस्कस कर देते, ठीक है ना बाबू, 12 नंबर डिस्कस कर देते, पहले इसको आप लोग लिखिए। देखिए अब प्रकाश क्वेश्चन, हमारे स्टूडेंट कौन कौन से थोड़ा सा दिक्कत हो रहे होंगे, नंदिनी बाबू को तो समझ में आ जाता है, नंदिनी टेंशन नहीं है, शिवम के लिए टेंशन नहीं है, ऋषभ भी ट्रैक पे ठीक है, आरएन बाबू इनको थोड़ा इवनिंग में वर्क करना पड़ेगा ना। सर मैंने लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया ना सर? हाँ चलिए, तो 12 नंबर आप बनाइए, सभी मिलकर 12 नंबर बनाइए, कैसे आप लोग बनाते, कितना रिजल्ट आंसर आता है 12 नंबर बाबू, सभी को बना के लाना है इतना सारे क्वेश्चन को। हाँ आरन बाबू आप ही के लिए 12 नंबर का सोल्यूशन कर देते हैं, है ना, फैक्टर जानते हो आरन बाबू? आरन बाबू फैक्टर जानते हो? 2 टू द पावर 2। यस सर। हाँ हाँ बाबू 2 टू द पावर 2 आएगा फैक्टर, 512 का फैक्टर आप कीजिए तो कितना आएगा, 512 का बाबू फैक्टर करेंगे तो 2 टाइम्स सर 2 आएगा सर, इसको फैक्टर, हाँ बाबू फैक्टर, बाबू 512 को 512 को फैक्टर कीजिए आप, ठीक है सर। सर हम बताएं सर 256 सर 512 का निकालना है फैक्टर्स? हाँ फैक्टर निकालने हैं, ठीक है सर। सर हम इसको
इसको नेक्स्ट टू टाइम्स करोगे तो कितना होगा, वन होगा, टू होगा, एट होगा। इसको फर्दर टू टाइम्स करोगे बाबू तो कितना होगा, 64 होगा। इसको फर्दर टू टाइम्स करोगे आरन बाबू, सर बन गया है। हाँ बाबू बन गया तो अच्छी बात है। ये 32 होगा बाबू, फर्दर इसको टू टाइम्स करोगे फैक्टर तो ये 16 आएगा, और फर्दर इसको टू टाइम्स करोगे बाबू तो 8 आएगा, और फर्दर इसको टू टाइम्स करोगे बाबू तो 4 आएगा। यहाँ से 4 आएगा बाबू, है ना, 4 आएगा। अब फर्दर इसको बाबू टू टाइम्स करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो कितना 2 आएगा, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब बाबू 2 5 1 12 को, आरएन देखिए बाबू, देखिए बाबू 5 1 2 को फैक्टर करो बाबू तो 2 मेरा कितना टाइम्स आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आएगा। मतलब क्या बाबू, 5 1 2 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 2 9 times 2 लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो बाबू सेम नंबर रिपीट अगर हो रहा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग 2 raised to the power 9 लिखते हैं। तो 5 1 2 को हम लोग यहाँ सोल्व करके क्या लिखेंगे बाबू, 2 raised to the power 9 लिखेंगे, और ये पावर कितना हो गया, 2/9 हो गया। अब e क्या हो गया, m टू दी पावर n, तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करो बाबू, तो 2 raised to the power 9, अब मल्टीप्लीकेशन 2/9, ये 9 9 कट जाएगा, तो 2 raised to the power 2 इक्वल टू क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया आरन बाबू? सर समझ में आ गया। आ गया तो अच्छी बात है, चले ठीक है, तो लिखे सभी, है ना। कल हम लोग बाबू, अब कल हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा कंसेप्ट इससे पढ़ेंगे, जब यहाँ निगेटिव पावर रहेगा ना, निगेटिव पावर जैसे यहाँ निगेटिव पावर रहेगा और समथिंग का पावर जीरो रहेगा, वो सब हमको बताना है ना। और उसके बाद बाबू आपको क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चन करवाएंगे, और उसके बाद आपको स्वैड्स पढ़ाएंगे, है ना। ये सब तो कहाँ, अभी अभी रफ में लिखना, उसके बाद सुंदर सा शेयर करना। और आरन बाबू आपका वर्कलोड ज्यादा आएगा, आप मॉर्निंग में बात क्लास अटेंड कीजिए, तो पहले मैथ है ना, तो पहले मैथ का जितना भी लेक्चर है, फिर फिलहाल सर्ट्स का 4-5 लेक्चर उसको कंप्लीट कीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा शुरू से। बाकी तो सारे स्टूडेंट ठीक ही हैं। सौम्या बाबू चलिए, हाँ सर, आप लोग को